नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आने वाले हफ्तों में क्या एक्सपेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स लास्ट मोमेंटम जो था आपका 102.17 पे है। करेंट वीक में हल्का सा पुल बैक दिया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टू रेड कैंडल्स। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है? अभी बेसिकली ये जो करेंट वीक का लो है उसको नीचे अगर थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन करता है देन हमें देखना है कि ये ट्रेंड चैनल के अंदर में इंडेक्स आ जाता है या नहीं। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में जो आपका मई महीने का जो प्राइस एक्शन है ये एक के आर कैंडल बनाया हुआ है, की रिवर्सल कैंडल, एंड उसके लो के नीचे बेसिकली एक अच्छा खासा मूवमेंट हम डाउनवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई ऑफ दिस के आर कैंडल। हालांकि इंडेक्स इज नॉट ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, सो हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस में कर सकते हैं कि एनी अपटिक यहाँ पे थोड़ा सा हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, कीपिंग हाई अबोव दिस पर्टिकुलर हाई एज आवर एग्जिट। एंड अगर हम डेली में देखेंगे तो डेली में एक आपका 2 जून को एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होने के बाद कल एक हल्का सा पॉजिटिविटी आया हुआ है। अभी देखना है कि इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है देन एज यूजुअल इट विल मेक लोअर हाई लोअर लो एल्स सम साइड सम सॉर्ट ऑफ साइडवाइज एंड चॉपी मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड। अगर हम डॉलर रुपी वीकली में देखेंगे तो यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द पिन बार, इट्स ए डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल जो है ये दो कैंडल के अंदर में ही फॉर्म हुआ है। सो बेसिकली मार्केट इज क्वाइट इंडिसिसिव कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे आऊं। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में जो आपका मई महीने का जो कैंडल था अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था एंड ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज दिया है, और करेंट कैंडल तो स्टार्ट ऑफ द मंथ है, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल क्योंकि जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो वीकली में जो आपका डोजी कैंडल बनाया हुआ है, व्हाट इट मींस बिलो द लो ऑफ दिस डोजी कैंडल सम डाउनवर्ड मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड। एंड अगर हम इसको डेली में देखेंगे तो वही है, रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे कि इसके लो के नीचे जाएगा लेकिन लो के नीचे गया नहीं, उल्टा ऊपर में पुल बैक आ चुका है, क्रिएटिंग मोर कंसोलिडेशन विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज, देयर बाय वी नीड टू वेट फॉर ए ब्रेकआउट। अगर हम जीबीपी डॉलर में देखेंगे, पिछले हफ्ते में अच्छा खासा एक नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2660 एंड 1.2458। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव कैंडल है व्हाट इट सिग्निफाइज मींस इट्स टेलिंग दैट सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस हियर एट 1.2650 के आसपास। तो हमें आने वाले दिन में देखना है कि इस रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है या नहीं। अगर ये लास्ट वीक का हाई कैंडल के हाई के ऊपर अगर 2-4 घंटे के लिए सस्टेन करता है देन इट मे हेड टुवर्ड्स द अपर एंड, अगर नीचे के लो तोड़ता है तो मैं थोड़ा सा सेल ऑफ एंड बेसिकली चॉपी एंड साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली में आपका मई महीने में एक डोजी का पिन बार बनाया हुआ है, व्हाट इट मींस मींस लोअर लेवल पे काफी प्राइस रिजेक्शंस आया है। प्राइस रिजेक्शंस देखा गया है एंड करेंट जो कैंडल है इट इज जस्ट जून महीने का कैंडल जहाँ पे ओनली 3 ट्रेडिंग डेज आर देयर, उसके बाद आने वाले पूरा महीना बाकी है। तो ये डोजी कैंडल व्हाट इट सिग्निफाइज इज दैट प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर बॉटम ऑन मंथली सेटअप। तो इसके हाई के ऊपर जैसे ही आपका
वीकली बेसिस में क्लोज दे देगा डोजी के ऊपर, वी मे एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में आपका कल मॉर्निंग का जो हमारा डेली एनालिसिस था, वहां पे हम इंतजार कर रहे थे कि इसके हाई के ऊपर अगर तोड़ेगा देन वी मे एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन कल हमने देखा है फ्राइडे का जो प्राइस मूवमेंट है, वहां पे हमने देखा है कि अच्छा खासा सेल ऑफ दे चुका है। अभी इसके लो के नीचे अगर जाता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन थोड़ा सा और सेल ऑफ हम थोड़ा सा देख सकते हैं एंड इट विल निगेट मींस आपका ये जो लोअर हाई लोअर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से थोड़ा सा निगेट करेगा। तो हमें थोड़ा सा आने वाले हफ्ते में जीबीपी डॉलर में प्राइस एक्शंस को केयरफुली देखना है, कीपिंग डॉलर इंडेक्स ऑल्सो इन क्वेश्चन मींस इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और डॉलर इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम पकड़ सकता है। अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में जो पिछले हफ्ते में आपका एक पिन डोजी फॉर्मेशन आया है एंड ये ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0786 एंड 1.0627, तो इट्स ए पॉज कैंडल एंड इंडिसिशन कैंडल। एनी प्राइस एक्शन अबव द हाई विल टेक द प्राइस एक्शन हायर टुवर्ड्स 1.0950 के तरफ। एनी प्राइस एक्शन बिलो द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर डोजी कैंडल, थोड़ा सा नीचे के तरफ हल्का सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मंथली प्राइस एक्शंस देखेंगे, मंथली में आपका एक अच्छा सा मींस आपका लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस देखा गया है, और अगर वीकली बेसिस में ये कैंडल यानी मई महीने के हाई कैंडल के हाई के ऊपर अगर वीकली बेसिस में क्लोज दे देता है, देन एंड ओनली देन हम हल्का सा एक अपवर्ड मॉडरेट अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बोलेंगे क्योंकि जब तक ये RSI 50 के ऊपर लाइन 50 लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे वीकनेस बरकरार है। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके हाई के ऊपर तोड़ के अगर क्लोज दे देता है तो इट मे बी हेडिंग हायर टुवर्ड्स 1.0925 और 1.0950, लेकिन कल हल्का सा एक प्राइस रिजेक्शन देखा गया है। तो अभी आने वाले हफ्ते में हमें देखना है कि इसके लो यानी 1 जून का लो तोड़ता है या आपका 30 मई का हाई पहले तोड़ता है, पहले कौन सा तोड़ के क्लोज दे देता है, ऊपर की तरफ क्लोज दे देता है देन इट इज हेडिंग हायर, अगर नीचे की तरफ क्लोज दे देता है देन इट इज हेडिंग स्लाइट ऑन द लोअर साइड। डॉलर येन में लास्ट वीक में एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देखा गया है, ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि पिछले 3 रेड कैंडल को पूरा का पूरा खा गया है। एग्जैक्टली बुलिश एंगल्फिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि हाई बाकी है और लो भी बाकी है, बट अच्छा खासा मूवमेंट देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 126.86 एंड 130.98। अगर हम मंथली में देखेंगे, मई महीने का मंथली जो कैंडल है ये वाला एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स एक इंडिसिशन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूशन, लो के नीचे थोड़ा सेल ऑफ। अगर हम डेली प्राइस एक्शंस देखेंगे, कल हमारा जो डेली करेंसी एनालिसिस था वहां पे हम ने डिस्कस किया था कि ये जो रेड कैंडल है इट्स अ पॉज कैंडल, इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूशन, लो के नीचे सेल ऑफ। तो अगर लो के नीचे जाएगा तो लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूशन होगा, लेकिन हाई के ऊपर जाएगा तो ये लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूशन को निगेट करेगा। अभी यहाँ पे क्या किया, ऑन डेली टाइम फ्रेम जो यहाँ से एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा था उसको निगेट कर चुका है एंड दैट बाय देयर बाय अभी एक मींस सम सॉर्ट ऑफ चॉपिनेस आर एक्सपेक्टेड, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देगा तो इसका जो वो इनिशियल जो स्ट्रेंथ है फिर दोबारा देखने के लिए मिल सकता है, और जब तक ये नहीं तोड़ेगा थोड़ा सा चॉपी वॉलेटाइल बोथ साइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये जीबीपी आईएनआर करेंसी देखेंगे, पहले हम वीकली देख लेते हैं, वीकली में अच्छा खासा एक सेल ऑफ दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 98.17 एंड 96.70। दैट बीइंग द केस ये जो प्रीवियस 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है उसको थोड़ा सा एक सेलर्स ने चैलेंज किया है। व्हाट इट मींस, हमें अभी देखना है कि आने वाला नेक्स्ट वीक ये इसके लो के नीचे ट्रेड करता है या हाई के ऊपर ट्रेड करता है। अगर हाई के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा
अपवर्ड बायस देखेंगे। अगर लो के नीचे ट्रेड करता है तो थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में जो मई महीने में एक अच्छा खासा एक आपका सेल ऑफ देखा गया था एंड इसके हाई के ऊपर वीकली बेसिस में क्लोज दे देता है, दैट इज आपका 98.25, 98.50 के ऊपर अगर वीकली बेसिस में क्लोज दे देता है देन इसका जो सेल ऑफ है वो हॉल्ट हो जाएगा। अदरवाइज वी मे एक्सपेक्ट सम मोर वॉलेटाइल मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर पेयर ऑल्सो। डेली में देखेंगे तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे एक डब्ल्यू के बाद ये अपर एंड का टारगेट का ऑलमोस्ट टारगेट फेच करके अभी यहाँ पे आया है। अभी हमें देखना है कि ये कल का जो एक नेगेटिव कैंडल बनाया है तो आने वाले दिन में ये 2 दिन का यानी 1 जून का लो को तोड़ता है या नहीं। अगर ये 1 जून के लो को तोड़ता है तो यहाँ पे हमारा ये इमीडिएट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं। अगर अगले हफ्ते ये आपका ये रेड कैंडल के ये नहीं 31 मई का हाई के ऊपर अगर आने वाले हफ्ते में क्लोज दे देता है तो इसका अपवर्ड मोमेंटम बरकरार रहेगा। अगर हम यूरो डॉलर यूरो आयनर का वीकली चार्ट में देखेंगे, कल एक ये पिन बार बनाया हुआ है बट द पिन बार का जो लोकेशन है ये लोकेशन मिड वे में है, नॉट ऑन द बॉटम नॉट नॉट ऑन द टॉप। तो व्हाट इट मींस इसका जो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। यही पिन बार अगर बॉटम में मिल जाता तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का इस सिग्निफाई करते। तो नाउ इट्स ए पॉज कैंडल, इसका मतलब क्या है, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे थोड़ा सेल ऑफ। मंथली अगर देखेंगे मई महीने में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया है जो ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द अप्रैल महीने का जो सेल ऑफ है उसको रिकवर कर चुका है। अभी अगर इसको ऊपर जाना है तो वीकली बेसिस में इसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, एल्स थोड़ा सा साइडवेज वॉलेटाइल चॉपी मूवमेंट एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में ये जो रेजिस्टेंस है इसमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पहले यहाँ पे मिला था और कल यहाँ पे मिला है। जब तक इसके हाई के ऊपर तोड़ नहीं जाता है, क्लोज नहीं दे देता है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस का पिंच रेजिस्टेंस का मींस इंपैक्ट देखा जाएगा। अगर ये 1 जून के लो के नीचे क्लोज दे देता है थोड़ा सा सेल ऑफ देखेगा एंड सेल ऑफ जो होगा ये क्या सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नहीं, यहाँ पे हमें देखना है। अगर हम जेपीवाई आईएनआर वीकली में देखेंगे तो पिछले हफ्ते एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6120 एंड 0.5932। दैट बीइंग द केस यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग सेल आया था उसके बाद 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आया है। बेसिकली ये जो पहले बुल रन पे आफ्टर ए डाउनफॉल पहले बुल रन पे बाई नहीं करना है, वी शुड वेट फॉर सच ए रेड कैंडल। ये रेड कैंडल जो वीकली फॉर्मेशंस हुआ है अभी इस रेड कैंडल के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है समथिंग लाइक दिस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वीकली डब्ल्यू एंड इन सच ए केस वी मे एक्सपेक्ट ए ह्यूज अपवर्ड मूवमेंट मे बी टुवर्ड्स 0.6420 के तरफ। तो ये हो गया वीकली एनालिसिस। अगर हम मंथली में देखेंगे तो मंथली में एक आपका मई महीने में जो आपका था ये एक अच्छा खासा फॉल के बाद एक कंसोलिडेट करने का कोशिश किया है। अगर इसको मंथली बेसिस में ऊपर जाना है तो मई महीने के हाई के ऊपर वीकली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर ये मई महीने का लो को तोड़ दे देता है आने वाले हफ्ते में या आने वाले महीने में देन इन सच ए सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट सम मोर सेल ऑफ इन दिस पर्टिकुलर पेयर। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में
अगर मेरा प्रीवियस डेली एनालिसिस देखेंगे तो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नहीं, उसके बाद ये जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया है, अभी नीचे की तरफ आया है। अभी हमें इंतजार करना है कि ये इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है या उससे पहले सपोर्ट लेता है, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या इसके लो के नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, ये हमें आने वाले दिन में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी का जो वीकली कैंडल है अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक इन्वर्टेड पिन बार, ये जो इन्वर्टेड पिन बार है इसका लोकेशन बहुत ही मस्त लोकेशन था, एंड ये देखिए ये जो लेवल्स है रेजिस्टेंस लेवल्स, उस लेवल पे ये इन्वर्टेड पिन बार बनाया था, जो इसका इम्पोर्टेंस काफी तगड़ा है। इसमें क्या होता है, इसके लो के नीचे हम एक सेल ऑफ कर सकते हैं, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2 या 1:3 के लिए हम ट्रेड को नर्चर कर सकते हैं। अगर हम मंथली में देखेंगे तो मंथली में भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है, प्राइस गॉट रिजेक्टेड हियर, एंड अभी दैट बीइंग द केस हमें अभी देखना है कि ये जो अब अप्रैल के लो के नीचे क्लोज दे देता है या नहीं। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में कल हल्का सा एक पुल बैक आया है, बेसिकली यहाँ पे एक सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम ऑसी डॉलर वीकली देखेंगे, वीकली में अच्छा खासा एक बुलिशनेस देखा गया था, लेकिन अ हायर लेवल पे एक प्राइस गॉट रिजेक्टेड, बैक टू बैक तीन रेड कैंडल ब्लू ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ये देखिए पहले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ज्यादा प्राइस रिजेक्शंस नहीं था, सेकंड वाला ग्रीन कैंडल के हाई 0.7168 एंड क्लोज 0.7156 ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ये करंट वीक का जो प्राइस है, हाई देखिए 7278 एंड क्लोज है 7206, दैट मींस करीबन 70-80 पॉइंट्स का प्राइस गॉट रिजेक्टेड, यानी हायर लेवल पे थोड़ा सेल ऑफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली में अच्छा खासा एक मीन्स लोअर एंड में अच्छा खासा एक वीक देखा गया है, यानी लोअर एंड पे ज्यादा प्राइस गॉट रिजेक्टेड, हायर एंड पे इतना ज्यादा प्राइस रिजेक्शन नहीं था इन द मंथ ऑफ मे। सो ऑन मंथली टाइम फ्रेम इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा चॉपीनेस बरकरार होने का एक्सपेक्टेशन से। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में हम इंतजार कर रहे थे इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देना, कल इसके हाई के ऊपर ट्रेड किया लेकिन कंसोलिडेट कर नहीं पाया एंड प्राइस गॉट रिजेक्ट, तो हमें अभी देख क्या देखना है, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री से थोड़ा सा नहीं लोअर एंड 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है। ये जब तक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बरकरार रहे, प्राइस में भी बॉट ऑन एवरी डे, जैसे इसके लो के नीचे क्लोज देगा देन हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। डॉलर सीएनएच में अगर हम लास्ट वीक एक्टिविटीज देखेंगे तो एक अच्छा खासा सेल अप हुआ है, लेकिन प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज नहीं दे पाया। मंथली में हम देखेंगे, मंथली में आपका एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स इंडिसेशंस एज पर दिस प्राइस मंथली चार्ट। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में ये प्राइस इस लो के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, प्राइस गॉट रिजेक्टेड, तो यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यूके ऑयल देखेंगे, यूके ऑयल कल एंड परसों दोनों दिन लोअर लेवल से अच्छा खासा बाईबैक हुआ है, दैट मीन्स द ओपेक मेंबर कंट्रीज जो रशिया को अवे रखने का कोशिश किया था एंड प्रोडक्शन रिलेटेड इंक्रीज कुछ इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं है, एंड ऑल्सो आपका इन्वेंट्री जो डेटा है थर्सडे का, वहाँ पे काफी फॉल आया है इन्वेंट्री डेटा में। अगर हम इसका वीकली देखेंगे, वीकली में एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है, व्हाट इट मींस, इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा हम अपवर्ड देख सकते हैं, लो के नीचे थोड़ा लो देख सकते हैं। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन ये अप्रैल मंथ के कैंडल के अंदर में एक इनसाइड बार बनाया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस है। ये जो करेंट कैंडल है ये जून महीने का कैंडल है, तो
तो इसको हम अभी इतना कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मंथ महीना मई महीने का कैंडल है, ये दोनों साइड में अपर एंड में भी प्राइस गॉट रिजेक्टेड, लोअर एंड में भी प्राइस गॉट रिजेक्टेड, व्हाट इट मींस चॉपीनेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो अगर हम 10 ईयर यूएस ट्रेजरी का देखेंगे, वीकली में क्या देखेंगे कि अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, एंड ये अभी इसके हाई के ऊपर क्लोज देगा तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन निगेट कर जाएगा, यार इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो कंटिन्यूएशन ऑफ लोअर हाई लोअर लो। अगर हम मंथली में देखेंगे, आपका मई महीने में एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, मीन सम सॉर्ट ऑफ इंडिसीशन, हमें मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना है। अगर हम डेली देखेंगे, डेली में ये आपका पिछले 4-5 दिन से एक अच्छा खासा एक अपवर्ड मोमेंटम देखा गया है, अभी देखना है इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है या नहीं। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज दे के कंटिन्यू करता है तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन निगेट कर जाएगा। अगर इसके यहीं से अगर मंडे ऑनवर्ड्स नीचे की तरफ आता है तो एक थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो अनसर्टेनिटीज बरकरार रहेगा, चॉपीनेस वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगा। तो ये अभी के लिए आपका ये वीकली एनालिसिस इतना ही। आप सभी का वीकेंड अच्छे हो, आप लोग अच्छे से रिजुबिनेट कीजिए, खुद रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ताकि मंडे ऑनवर्ड्स दोबारा आप मार्केट में नए एनर्जी के साथ मार्केट को फेस कर पाएंगे एंड अच्छे अच्छे ट्रेड्स ले पाएंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, वीकेंड शुभ हो, धन्यवाद।